गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पेसिव के बारे में, गोइंग टू के रूल के बारे में देख चुके थे और पेसिव में टेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे एडवर्ब का प्रयोग करना है, और गोइंग टू के रूल के बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। गोइंग टू को गोइंग टू में रखना है, किसी प्रकार से कुछ भी चेंज नहीं करना है। गोइंग टू यहाँ पे मेनू ऑफ के रूप में नहीं आ रही है। मेन मेनू ऑफ के रूप में अगर गोइंग आता तो उसको हम क्या करते हैं, गो वेंट गोन में चेंज करते हैं। गोन में गो को किस में चेंज होता, गोन में चेंज होता, लेकिन वो गोइंग टू से सेंटेंस बनते हैं। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फंक्शन, स्कूल क्या करने जा रही है, एक फंक्शन का आयोजन करने जा रही है। इस सेंटेंस को आप चेंज भी करना, अच्छे से समझ में आएगा। मेनू ऑफ तो क्या है, इसमें ऑर्गेनाइज है, इसके अंदर मेनू ऑफ क्या है, ऑर्गेनाइज है। गोइंग टू ये सेंटेंस का माध्यम बना दिया है कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये गोइंग टू के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद में आज अपन जो चर्चा करेंगे, और जो कल की जो नेक्स्ट पीछे की जो क्लास थी उनको आपको नोट करना है, और आपके पास में हेल्प के रूप में जो आपकी गाइड होगी, जो कोई भी आपके पास में मटेरियल है, उसमें से आप पेसिव वॉइस को जरूर सीखेंगे। आधार आपको मैं हम लोग दे सकते हैं, मेहनत आपको आपको करनी है, अपनी एक्सरसाइज आपको करनी है, तब जाकर के आप पेसिव वॉइस को कम्प्लीटली सीख पाएंगे। अन्यथा आपको पेसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हमारे साथ आपके लिए बाहर बन के रह जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो ये जो ग्रामर की जो टॉपिक मैं जो आपको करवा रहा हूँ इतने स्लो स्पीड से और इतने एक्सप्लेन करके करवा रहा हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते रहते हैं, सबको देना ही है, आप बड़े होंगे तो आपको देना ही है, हम लोग भी देते हैं, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत गहन तरीके से पूछी जाती है, तो इसलिए जनरल जो इनके फैक्ट्स है वो क्लियर होने आपके लिए आवश्यक है। जो जनरल रूल्स हैं उनको आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। आपका बेसिक कम्प्लीट होगा तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश 99% जो ऐसे एग्जाम हो गए जिनमें इंग्लिश का टॉपिक जोड़ा जाता है, और इंग्लिश के अंदर टॉपिक के अंदर ग्रामर और वोकैब को सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है, तो इन तो जो इन फ्यूचर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और इंग्लिश के बिना होने वाला कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो और ज़्यादातर सबका सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ क्लियर है उनका, लेकिन इंग्लिश में वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आने वाले समय में आपके सामने नहीं आए, इसलिए सब्जेक्ट को बराबर महत्व दें, और इसमें जो जितना सिखाया जाता है उसको अच्छी तरीके से सीखें, और वोकैब सबसे ज़्यादा कवर अप किसको करना है, वोकैब को कवर करना है, और सिलेबस का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये चल रही है कि स्कूलें खुली नहीं है, और स्कूलें नहीं खुली है तो इसका मतलब वो क्या सोचते हैं दिमाग में कि भाई सिलेबस कट हो जाएगा, ग्रामर का कौन सा पार्ट रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि ग्रामर का जो पार्ट हमारे सामने दिया हुआ है वो किसी भी कंडीशन में कम नहीं होगा, सिलेबस से नहीं हटेगा, ग्रामर सिलेबस से नहीं हटेगा। राइटिंग सेक्शन पैसेज जो आने हैं वो आने ही है, राइटिंग सेक्शन जो आना है वो आना ही है, ग्रामर जो जितनी आनी है वो आनी है, क्योंकि पेपर कितने नंबर्स का बनेगा, 80 मार्क्स का बनेगा, इसलिए जो हमारी जो बुक्स जो हमारे पास में गवर्नमेंट के जो हमारे सिलेबस में जो बुक्स है उनमें से हो सकता है कि कुछ आपके चैप्टर्स को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मिसगाइड नहीं हो किसी के कहने पे, कोई भी डाउट की कोई भी सिचुएशन आपके सामने बने तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूछने का आधार भी दिया है कि आप ऐसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारी क्लास को, वो इसको लेकर के कुछ रूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, वॉइस, क्या पढ़ रहे थे, वॉइस पढ़ रहे थे, और वॉइस के अंदर एक्टिव पैसिव के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक रूल हमारा गोइंग टू कंप्लीट हुआ था। अब अपन आपका जो सेकंड जो रूल आपके सामने रख रहा हूँ, मॉडल का। मॉडल के लिए, मॉडल क्या होते हैं, मॉडल किस किस का काम रहते हैं, प्लेस ऑफ एस वी हेल्पिंग वो भी होती है एक तरह की। मॉडल पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से बताऊंगा मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, लेकिन ये किसके स्थान पे आते हैं, अब तक आपको यहीं पे देखना है कि ये किस किस स्थान पे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब किस स्थान पे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होती है पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे कंफ्यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कैसे करें, क्लियर। जैसे मॉडल होगा तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, केवल मॉडल के बाद में, जैसे कोई सा भी मॉडल हो आपका, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है,
में माइंड, जो भी जितने भी प्रकार के आपके मॉडल्स हैं उनके साथ में मॉडल का आपको ये ध्यान रखना है कि किसका उपयोग करना है, बी का उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है, बी का प्रयोग करना है, और बी के बाद में मैनवॉक की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, उसी मैनवॉक की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और वो इस सेम रूल के साथ में आपको मॉडल्स को चेंज करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे सी कुड हेल्प मी, वो मेरी सहायता कर सकती थी, की या नहीं की वो अलग बात है। कुड का मतलब पास्ट के रूप में लेते हैं, और मॉडल के बाद में ये पास्ट का है, किसका पास्ट रूप हो रहा है आपका, कैन का, मॉडल के अंदर ये सब कुछ देखेंगे। अब कुड मॉडल के बाद में हमेशा याद रखना, जहां कहीं पे भी मॉडल है उसमें सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी आपको, मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे वर्ब की आपको किसका प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जस्ट मॉडल के बाद में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर ही नहीं सकते, इसके मतलब लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपके सामने, मी, क्या ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, मी। वही सेम रूल से चलना है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट से हटा करके प्लेस ऑफ सब्जेक्ट में रखना है, अगर उसको चेंज करने की कंडीशन बने तो उसको चेंज भी करना है। मी को अपन किस में चेंज करेंगे, आई में, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बन गया, आई, वही चीज सेम चीज। उसके बाद में आ गया आपके पास में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। हेल्पिंग वर्ब किसके मॉडल क्या होते हैं, प्रेस से क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, तो इनको कंफ्यूज नहीं होना मॉडल्स को देख करके, इनको हेल्पिंग वर्ब भी होती है ये, इनको इसी तरीके से चेंज करना है। तो मॉडल जो है ये तो है नहीं कि इसका मॉडल का भी पहला दूसरा कोई तीसरा चौथा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेशन में जरूर क्या करते हैं, कैन को किस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नरेशन का क्या है, पहला दूसरा नहीं, उसका प्रेजेंट से पास्ट बनाना है, और फ्यूचर से भी सेंटेंस को क्या किस में रखना है आपको, पास्ट में रखना है, इसलिए उसको कैन को किस में चेंज करते हैं हम लोग, कुड में चेंज करते हैं। लेकिन पैसिवस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पैसिवस में कुड का क्या रहेगा, कुड रहेगा। अब मैंने कहा कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब कौन सी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, भले वो सेंटेंस एक्टिव का हो, भले वो सेंटेंस पैसिव का हो। मॉडल का एक यूनिवर्सल ट्रूथ या सर्वमान्य जो रूल है वो आपके साथ, मॉडल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी किसी भी कंडीशन। तो यहाँ पे रखनी भैया हमको क्या पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म ही रखनी। अब हमारी तो आवश्यकता क्या है, इसको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वाले क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म लिखे हो, तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म रखने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बी का प्रयोग कर रहे हैं, और बी के बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हेल्प आया मेन वर्ब के रूप में, तो इसका क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस वाले भी ठीक है, पैसिव वॉइस को आवश्यकता होती है थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म लगे, मॉडल को आवश्यकता होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने किसका प्रयोग कर लिया, बी का प्रयोग कर लिया। तो हेल्प आई कुड बी हेल्प, और वही सेम रूल आपका बाई का प्रयोग करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, और प्लेस ऑफ सब्जेक्ट से उठा करके इसको प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट में रखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आ जाएगा आपका हर, सी कुड बी हर बाई हर। क्लियर, इस प्रकार से आपको मॉडल को चेंज करना है, केवल आपको मॉडल के साथ में किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है, और उसमें ज्यादा कुछ सोचने विचारने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे कईयों के एक कंफ्यूजन और रहती है, वो सबसे पहले मैं दूर करता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि उनको कहाँ पे जाकर के कंफ्यूजन पैदा होती है, वो देखते हैं। जैसे यू यू शुड रेस्पेक्ट योर अपने अपने से बड़ों का या योर टीचर्स का, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू शुड रेस्पेक्ट इल्डर्स, योर नहीं होगा यहाँ पे, इल्डर्स के साथ में इसका उपयोग नहीं कर सकते, इल्डर्स का उपयोग यानी योर नहीं लगा सकते, इल्डर्स का उपयोग करें तो इल्डर्स का मतलब आपके सब बड़े हैं और आपके गुरुजन, ठीक है।
अब इसमें अपन बात करते हैं इसकी, कि यहाँ पे जो ये नहीं बोल रहा प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये नहीं बोल रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो समस्या आएगी वो देखते हैं। अब यहाँ पे इसको लेकर के, योर पेरेंट्स को लेकर के या योर टीचर को लेकर के देखते हैं, टीचर्स ले सकते हैं या टीचर भी रख सकते हैं, टीचर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल का मॉडल रहेगा, देखने हैं कैसे जैसे। अब उससे पहले कंफ्यूजन किसको लेकर के बनी हुई है आपके दिमाग में, योर को लेकर के, किसी योर को छोड़े यहाँ पे या साथ लेके चले, सोचना कुछ भी नहीं है, जो साथ आया वो बेचारे को साथ लेके रखना है आपको, योर का आपका योर ही रहेगा। कईयों के दिमाग में ये हो रहा है कि योर को चेंज कैसे करें, मी का आई बनाते हैं तो इसका मतलब ये भी तो प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये इसका सब्जेक्टिव केस बनाना है, तो भैया ये ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे कहाँ से आप लोग, इसका ये कौन सा केस है आपका, ये केस है आपका रिलेटिव संबंधवाचक, रिलेटिव केस है, इसका मतलब इसको ऐसा ही रखना है, चेंज नहीं करना है, तो योर का क्या रहेगा, योर टीचर्स, योर टीचर्स, उसके बाद में बात किसकी आ गई, हेल्पिंग ऑफ की, हेल्पिंग ऑफ के स्थान पे हमारा आया मॉडल, तो मॉडल का क्या रखेंगे, शुड का क्या रखेंगे, शुड ही रखेंगे, बाद में प्रयोग किसका करेंगे, मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने क्या रख दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल को क्या चाहिए, पैसिव वॉइस को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम भी क्या रखेंगे यहाँ पे, एस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, और यहाँ पे बाई के बाद में किसका प्रयोग होना है, यू, क्लियर, योर टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाई यू, ऐसे आपको क्या करना है, मॉडल्स को चेंज करना है। अब आपके लिए और जो ज्यादा सेंटेंस के लिए वो यहाँ पे करवाऊंगा, तो वही चीज है जैसे यू मस्ट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश के लिए बोलूंगा, मैथ्स का क्यों बोलूंगा, तुम्हारे को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए ये बोलूंगा, तो यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉडल कौन सा है, मस्ट, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इंग्लिश को उठाओ, ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पे प्लेस हो, किसके स्थान पे, सब्जेक्ट में इंग्लिश, मॉडल आया तो मॉडल का क्या रख देंगे, मॉडल, और मॉडल को किसकी जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म की, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या रख देंगे, बी, और बाद में क्या है, वैसे उसको किसकी जरूरत पड़ती है भैया, थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म रीड की क्या रहती है, रीड, रेड, रीड, पढ़ने में रेड पड़ता है, लेकिन स्पेलिंग तीनों की क्या रहती है, सेम रहती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म की, इंग्लिश मस्ट बी रीड, और बाद में क्या रहेगा, बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, कईयों के कंफ्यूज हो रहा होगा, मैंने चार्ट में लिखा है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू का रिलेटिव केस क्या होता है आपका, योर होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो मॉडल्स का जो सेकेंड रूल है वो हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं ये जो हमारे जो जितने भी अपन ने सेंटेंस जो पढ़े हैं वो कौन से केस के हैं, नहीं किस प्रकार के सेंटेंस की है, असर्टिव सेंटेंस जिसको अपन बोलते हैं, अफिर्मेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव के बारे में अपन बात करेंगे। अब उसके बारे में अपन बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, जैसे पहले अपन नेगेटिव भी देख लेते हैं उसके बाद में चलेंगे हम इंट्रोगेटिव। जैसे सी इज नॉट राइटिंग ए बुक, किसी इज नॉट राइटिंग ए बुक, वो किसी प्रकार की कोई बुक नहीं लिख रही, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और किसके प्लेस में रखेंगे, सब्जेक्ट में, ए बुक, क्लियर, इसका मतलब कौन से में ही है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूस का जाएगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा, तो ए बुक भी आपकी क्या अभी तक है, ए बुक भी अभी तक आपकी क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब इजी रखेंगे मोड। अब आपको बात किसकी करनी है, नोट की, इसका प्रयोग करना है, नोट दिया तो हम किस का प्रयोग करेंगे, नोट का, और बाद में किसका प्रयोग करेंगे,
बींग का। टेंस में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया भी है। बींग राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन बाई सी का क्या हो जाएगा आपका? हर। इस प्रकार से नोट में तो कोई नेगेटिव सेंटेंस में तो कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। क्यों? किसमें इसके साथ में बींग आ रहा है भैया? दो पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे सिंपल का होता, सिंपल क्या होता? सी डज नॉट राइट ए लेटर। सी डज नॉट राइट ए लेटर, तो उसमें तो इज आ जाता। और इसके साथ में बींग तो आना नहीं, नॉट का प्रयोग करने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं, इज और क्या रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है? बींग का। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इज बींग के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, वो गलत। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में टेंस पढ़ाते समय ये भी बताया है कि जैसे हैव बीन, टू पार्ट्स में क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो नोट का प्रयोग हमेशा कहाँ पे होगा? बीच में। हैव नोट बीन होगा, हैव बीन नोट नहीं होगा, क्या होगा? हैव नोट बीन। जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम देख रहे थे विल हैव बीन, कितने पार्ट्स एचवी की, कितने है? तीन। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रयोग किसका करना है? नोट का प्रयोग करना है, विल नोट हैव बीन। यहाँ पे ये नहीं करना है विल हैव नोट बीन और विल हैव बीन नोट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, विल नोट हैव बीन। क्लियर है? इस प्रकार से आपको किसका प्रयोग करना है? नोट का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी नोट को लेकर के। अब अपन बात करते हैं किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस की बात करेंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करें। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको वॉइस चेंज करते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको कैसे चेंज करना? असर्टिव सेंटेंस में तो आपके कौन कौन से आते हैं? नेगेटिव और अफिर्मेटिव, दोनों हमने देख लिए। अफिर्मेटिव सबसे पहले स्टार्टिंग से सीखते आ रहे थे, नेगेटिव मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। अगर मान लो कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और उसको हमको पैसिव वॉइस चेंज में चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस कैसा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में हमको करना क्या है, किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करना है? सबसे पहली बात, नरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम क्या बना देते हैं, वापिस अफर्मेटिव बना देते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, उसको आपको किसमें रखना है? इंट्रोगेटिव में रखना है, उसको अफर्मेटिव नहीं बनाना। जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट, उससे पहले आपको बता दूं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भैया? टू टाइप्स के। एक तो किससे शुरू होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब से। एक इससे शुरू हो जाता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड से। ये मैंने टेंस में आपको अच्छी तरीके से बताया कि हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले में क्या डिफरेंस है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे सोचना विचारना कुछ नहीं है, सेम रूल के अकॉर्डिंग सेम तरीके से चलना है। क्रिकेट, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आपका? क्रिकेट। तो सबसे पहले अपन किसको पिकअप करेंगे? यहाँ से पुटअप क्या लिया? क्रिकेट। और किसके प्लेस में रख दिया? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने? सब्जेक्ट। अब बात रही किसकी, कौन सा टेंस है ये भैया, कौन सा है? एग्जाम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं सॉरी, कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ तो इसका मतलब हमको प्रयोग किसका करना है, जाएगा किसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉरी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मिला सब्जेक्ट लिख देंगे तो ये सेंटेंस आपका एचवी से इंट्रोगेटिव रहेगा ही नहीं, रहेगा मतलब इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव रखना है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले एक तो यहाँ पे आर भी आ सकता है और यहाँ पे एम भी आ सकता है और यहाँ पे इज भी आ सकता है, ये याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे पास में अभी सब्जेक्ट आया ही नहीं, इधर से आएगा तब इसमें से देखेंगे कौन सा सेट हो रहा है, तब हम क्या देखेंगे कौन सा सेट हो रहा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है,
यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वैसे ही हमको क्या रखना है, हेल्पिंग और ओपनिंग सब्जेक्ट रखनी है, तभी तो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे हेल्पिंग और ओपनिंग, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, अफर्मेटिव बन जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बचेगा ही नहीं। इसका मतलब इन तीनों में से कोई सी भी आ सकती है, इसका मतलब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को वहां पे लेके जाएंगे, तो तभी पता चलेगा कि इसके अंदर सही कौन सी है। क्रिकेट क्या भैया आपकी सिंगुलर, और सिंगुलर है इसका मतलब ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला, क्या रहेगा आपका सेंटेंस में, क्या रहेगा इज आपका राइट रहेगा, तो क्या करेंगे सेंटेंस को, इज क्रिकेट। अब उससे पहली बात, उससे पहले आपको एक चीज और देखनी है, क्या देखनी है कि भी बींग का प्रयोग करें तो कहाँ करें हम, इसमें तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस में चेंज होगा, सोच करके बताएं कि बींग का प्रयोग होगा कहाँ पे। तो नहीं हुआ तो इसके बाद में आपको ये देखना है, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस में सिखाते समय ये बताया था कि याद हो तो, कि जैसे टू पार्ट्स की हेल्पिंग वर्ब हो, टू पार्ट्स में अगर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे मान लो इसमें तो एक ही, वैसे भी इसमें भी एक ही, मान लो जो आपका सेंटेंस होता है जैसे राम हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ये सब कुछ सेंटेंस। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं एचवी से, तो क्या करते थे हम लोग, हैड बाद में क्या लगाते थे, राम बाद में किसका प्रयोग होता है, बीन का, तो याद आया। उसी तरीके से आपको क्या रखना है, इज आ गया राइट है ये, बाद में सब्जेक्ट को लेना, बाद में किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है, इज क्रिकेट बीइंग, बाद में किसका प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। यहाँ पे ये देखना है, हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे सेंटेंस कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में हो, इज बीइंग हो, जैसे हैव बीन है, विल हैव बीन है, इस प्रकार से दो पार्ट्स में भी हो सकती है, तीन में, नोट भी हमेशा फर्स्ट हो, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट टुकड़े के बाद में नोट का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट आ गया उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, नोट तो बाद में आएगा, और उसी प्रकार से जो उसके साथ में हैव बीन है जो भी, वो भी बाद में आएगा, बीच में सब्जेक्ट आ गया, इज क्रिकेट बीइंग, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी हो गया, प्लेइंग है तो किस का प्रयोग होगा, प्लेड, वो है भाई, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन रहा है आपका, यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है आपका, यू। सेंटेंस कैसा रह गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस वापस हमारा कैसा रह गया, इंट्रोगेटिव रह गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा हो रहा है, क्लियर। जैसे अगर आपको यहां तक क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद में हम आपको एक चीज और जोड़ता था, जैसे जैसे सेंटेंस देखना, डज सी प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेलती है, ठीक है। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमको भी शुरू किससे करना है भैया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का जाएगा, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल का, डज का दिखाई दे रहा है ना, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, इसका मतलब ये जाएगा कि इसमें कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, और आर भी आ सकता है, केवल आपको यहाँ पे देखना सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट क्रिकेट है, इसका मतलब आर और एम नहीं आएंगे, सब्जेक्ट क्या रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, इज रहेगी, किसके अकॉर्डिंग, क्रिकेट के अकॉर्डिंग, इज क्रिकेट। अब रही बात किसकी, बींग तो इसमें प्रयोग करना ही नहीं, इसमें तो बींग का प्रयोग करना ही, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, और वाई का प्रयोग करना है, और सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, इट्स क्रिकेट प्लेड बाई हर, इस प्रकार से एक्टिव को आपको किसमें चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। आपके पास में जो कोई भी, जो आपकी अपनी हेल्प के लिए जो गाइड ला रखी है, जो कुछ भी आपके पास में मटेरियल है, उसके अंदर आप पैसिव को जरूर देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज जरूर करेंगे, कुछ आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होंगे मैं उनको बिन बताए हुए, बिन समझे हुए आपकी, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, काफी उनको कंफ्यूजन होती है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी तक हमारे कंप्लीट नहीं होंगे, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मैं कुछ नए तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ला करके आपके डाउट सारे क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद में हम डबल ऑब्जेक्ट्स वाले भी सेंटेंस को देखेंगे, नेगेटिव वाले हो गए, डबल ऑब्जेक्ट्स वाला एक जो हमारा रूल ओवर रह गया, और एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो रूल है
वो कल की क्लास में हम एक्सप्लेनिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं कि हम टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको, जितना आपको मैं मेहनत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी मेहनत से उतनी और शिद्दत के साथ में आप लोग मेरी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो कोई भी आपको होम असाइनमेंट के रूप में जो वर्क दिया जा रहा है, होम असाइनमेंट के रूप में आपको मैं वर्क के रूप में बता दूं कि जो एग्जाम्पल्स मैं करवा रहा हूँ उन एग्जाम्पल्स को आपको नोट तो करना ही है, उसके साथ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को भी नोट करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, आपकी गाइड के अंदर आपकी बुक के अंदर दिए हुए, उनको आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करके आपको उनके अंदर नोट कर लेना। इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में रख लेना, और असर्टिव है तो उसको असर्टिव में नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे।